ये भाई वो है जैसे उनके लिए जाम या ये सब जाम हो गया कई तरीके की, ये शराब वराब ये ऊपर। सो गाइस ये जितना भी है सारा लकड़ी का बना हुआ है, मंच को सजाने के लिए बताया इसमें कुछ। देखो ये सारा लकड़ी का ही है। तो भाई अब कुछ अलग दिखाने वाले हैं आपको, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए दादा हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो देखो ये मम्मी 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 भाई ये सारा भारत का दृश्य है जितना भी है, मतलब 19वीं शताब्दी में मतलब ये बनाया गया था, इस पर लिख रहा है सारा। गाइस हमारे टाइम पे जैसे होते हैं ना फूल फ्लावर पॉट, तो देखो पहले ज़माने में कैसे होते थे फ्लावर पॉट। तो ये सारा फ्लावर पॉट का वो है फूलदान लिख रही है इस पर उस साइड फ्लो फूलदान का। और ये सब वो ही है भाई, ये देख रहे तिपाई पर रखा डिब्बा, तस्तरी पता नहीं क्या क्या है, खाली है वो तो शायद ऊपर वाली। भाई ये सारा भारत का दृश्य है जितना भी है, मतलब 19वीं शताब्दी में मतलब ये बनाया गया था, इस पर लिख रहा है सारा। तो ये सारा वही है, और ये है रामायण के दृश्य के, भाई ये रामायण का उसका है, जब रामायण हुई थी ना तो उसका है सारा। और ये दोनों ही 19वीं शताब्दी में हुए हैं, 19वीं शताब्दी में इनका मतलब निर्माण हुआ है, क्या बोलेंगे उसे, तो वो हुआ है इसका। और ये इसका भाई जो भी इसका मतलब इसका जो कुछ है ये सब कुछ इसमें लिख रहा है। और ये और भाई ये भी रामायण के उसमें ही है, पर ये रामायण यज्ञ पात्र है, यज्ञ पात्र। सो भाई ये भी रामायण के ऊपर ही है, देखो ये पूरा रामायण के उस पर ही है सारा। और ये भी ये एक है रामायण के उस पर, एक है महाभारत के उस पर। और ये पता नहीं ये क्या है, गुरुण गाइस ये हैं गुरुण। और ये 20वीं शताब्दी में बने, पीतल के हैं ये सारे गुरुण। और भाई इन पर कुछ नहीं लिख रहा, देखो ये। और ये लास्ट है, पर ये मुझे जहाँ तक नहीं है अलग है, मैं सोच रहा है कृष्ण जी का वो है जो कृष्ण जी ने पहाड़ पर्वत उठाया था, पर ये अलग है भाई देखो। मतलब नायाब चीज़ तो बहुत है, सारी नायाब ही है भाई। और अब देखते हैं अब क्या देखने को मिलता है हमें नया। वैसे जो देखा अब तक एक्सपेंसिव था कि हाँ हमारे महाराजा पहले कैसे रहते थे, क्या क्या किस किस में उस समय खाते थे। रास्ता इधर से है, तो गाइस अब जा रहे हैं ऊपर और हम भी दिखाते हैं, हम भी अनजान हैं और आप भी अनजान हो, आप भी हमारे उससे चल रहे हो। तो भाई देखो ये कारीगरी है यहाँ पर सारी, सब कारीगरी है। तो ये क्या है सर भैया, ये क्या बोले जाएंगे हैं? ये पहले के जो राजा महाराजा के टाइम पे वो चाय पानी, अच्छा अच्छा खाने पीने का वो है जैसे प्लेट बोल लो आप, प्लेट है इसको ट्रे बोला जाता है। हाँ अच्छा अच्छा ट्रे। तो भाई ये ट्रे है जैसे मेहमान या चाय वाय ये सब, तो उनके लिए ट्रे है, हमारे लिए तो ट्रे बोलेंगे। और उस जमाने में क्या बोलते थे वो पता नहीं, यहाँ कुछ लिख नहीं रहा है। और ये सब भाई प्राचीन ही सब है। भाई ये सब वही है, ट्रे या कुछ और बोल लो, प्लेट बोल लो। ये भाई वो है जैसे उनके लिए जाम या ये सब जाम हो गया कई तरीके की, ये शराब वराब ये ऊपर वाले तो मुझे पता है, पर नीचे वाले नहीं पता नीचे वाले क्या है। ये चीज़ तो उधर है यार, दादा बता रहा है हमारी मेन चीज़ उधर है। दादा ने पूरा छान मारा और देखो ये तलवार, ये नहीं तलवार नहीं है कुछ और है, ये छड़ी छड़ी है भाई, ये छड़ी चोबे वाली छड़ी है, पता नहीं कैसी है, जिससे रपटे ना शायद उसी उसकी है इसलिए चोबे लग रहे हैं इसमें ऊपर। और ये वैसी कला है गाड़ी, ये सब भाई वो है। राजा और महाराजाओं की आपको पुरानी ड्रेसेस दिखाता हूँ, कैसी ड्रेसेस हैं हमारे राजा महाराजा, मतलब कैसी ड्रेस पहले पहनते थे वो भी दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखो ड्रेस, ये शायद महारानी की है, और ये भी सब जहाँ तक महारानी के ही है सारे। हाँ जी महारानी के ही है ये साड़ी वाड़ी, दादा हटियो। और ये भाई फेसेस बनाए उनके, महाराजा हुए या फिर मतलब नगर कोट के, वो जो पगड़ी पगड़ी दिखाई है भाई इसमें सबकी, पगड़ी पगड़ी किस प्रकार की, सबकी अलग अलग है, किसी ना किसी उससे अजीब है मतलब थोड़ी डिफरेंट है। तो भाई अब है महाराजा के, महाराजा को दिखाने का टाइम, महाराजा की ड्रेसेस। तो महाराजा की देखो ये है महाराजा की ड्रेसेस,
अब आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे जिसके लिए म्यूजियम बहुत फेमस है। आओ हमारे साथ, फॉलो मी। दादा कह रहा है फॉलो मी, तो दादा करते हैं फॉलो। देखो देखो किसकी है, भाई पुराने ज़माने की हमारी कला कैसी लग रही है आपको कमेंट में बताओ। और देखो भाई पीछे भी हमारे सारी वही हैं। अब आपको हमारे दादा कह रहे हैं अब आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो सबसे नायाब है इसमें। तो देखो एक तो ये प्रतिमा है यहाँ पे, ये क्या है वैसे, मम्मी है। तो भाई अब कुछ अलग दिखाने वाले हैं आपको, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए दादा हम यहाँ पर ले के आए हैं। तो देखो ये मम्मी इजिप्ट से खास मंगाई थी। हाँ इजिप्ट से खास मंगाई थी भाई, ये इजिप्ट से खास मंगाई थी भाई। ये रहा ये इसका एक्सरे भाई एक सेकंड ये एक्सरे है भाई। देखो ऐसा लग रहा है कोई जिंदा ही सही में आदमी लेटा हो जाए। आदमी पट्टी में लेटा हुआ हाँ जी हाँ। और दादा ही हमारे पीछे भाग लिया, फिर क्या होगा है तो भाग लेंगे भाई। भाई बहुत कैडी बात है, सब कला है भाई, हमारे राजा महाराजा ये सब। देखो भाई ये वो दिखाया गया है कि मतलब जो काम है सबका, जो हमारे देश में है कि संस्कृति हमारी, कि हमारे देश में मतलब क्या क्या काम होता है। ये देखो भाई ये कैसे छलांग मार रहा है, क्या कर रहा है भाई हमारा। ये शिव जी की मूर्ति है, रहा शिव की प्रतिमा, पार्वती गणेश एवं नंदनी नंदी। भाई ये चेक करो। और भाई अब जो हमारा एक्सपेंसिव था वो दिखा दिया, और देखते हैं अगर आपको कोई और अच्छी सी चीज़ मिलेगी तो उसे भी दिखाएंगे भाई। बाकी बताओ भाई कि ब्लॉग कैसा लग रहा है। योगा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और भाई देखो सारा आपके लिए वो है। और ये देखो ये राजा महाराजा के टाइम की वो होगी शायद बग्घी, जैसे महारानी का नाम। अगर आप कोई योगा करते हैं तो तो भाई हमारे दादा योगा की वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, कला दिखा रहे हैं जो शायद बाबा रामदेव दिखाते थे। देखो जैसे पहले योग चलते थे ऋषि मुनि ये सब जो करते थे, आज हम उनकी कॉपी कर रहे हैं। ये पहले कई साल पहले ही उन्होंने दिखा दिया था कि हाँ योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये भाई देखो सब वही है, कोई ध्यान लगा रहा है। देखो भाई हेलो सो गाइस, ये जितना भी है सारा लकड़ी का बना हुआ है, मंच को सजाने के लिए बताया है इसमें कुछ। देखो ये सारा लकड़ी का ही है, देवी की मुखोटा है, देवी का मुखोटा। देखो भाई दूर से दिखाता हूँ एक सेकंड। भाई देखो क्या प्यारा यार, हर एक चीज़ का अपना अलग मज़ा है। ये क्या है सो गाइस, पुराने ज़माने के संगीत और ये सब का दिखाते हैं आपको। तो भाई ये पहले महारानी है और सब की ज्वेलरी है ये सारी। एक सेकंड देखो ये सारी ज्वेलरी है। और ये वो है चेस, पहले महाराजा ऐसे खेलते थे। ये सब देखो हार है, ये सब ये बीज ना, पहले ज़माने में जो बीज नहीं यूज़ होते थे ये बीज नहीं, ये भी शायद बीज नहीं है। तो भाई देखे पहले ज़माने के, देखो देखो ये देखो ये तो दिखा ना, भूलेगा आप दूर से दिखाता हूँ कितनी बड़ी वो है, क्या बोली ना वीणा कितनी बड़ी वीणा है भाई ये। भाई देखो देखो भाई ये चेक करो क्या प्यारा वो है। ये पहले जो बजाते होंगे भाई कितनी जान लगती होगी, अब के इन पे नहीं बज पाएगा कुछ भी। भाई देखो अब तो बजा लेते हैं, वैसे बहुत तो बजाते भी हैं पर हर किसी के बस की बात ना है भाई इन्हें बजाना। देखो भाई ये भोंपू तो भाई बजे ही ना है, भोंपू तो बहुत मुकसद पूरी जान लगानी पड़ेगी जब बजेगा ये। ये भाई सारे वो ही हैं म्यूज़िक कि पहले कैसा म्यूज़िक होता था हमारे उसमें। और ये मम्मी से ही अब निकलते हैं। सो गाइज आपको ऑलमोस्टली दिखा दिया सारा म्यूज़ियम कैसा है ये, और आपको अगर विजिट करना हो करो, बहुत बढ़िया है, एक नंबर है।
मूर्ति और पेंटिंग्स हैं। तो भाई देखो ये सारी पेंटिंग्स हैं, सारी महाराजा और ये सब पूजा करते हुए सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, पूजा करते हुए भाई ये ना राधे कृष्णा की पूजा करते हुए महाराजा सावत सिंह किसनार घर है श्री सलीम सिंह। सारी भाई इसमें नायाब चीज़ है जो जो मतलब हमने देखी नहीं आज तक। अच्छा अच्छा हाँ, ज्वेलरी और ये सब ज्वेलरी और ये पता नहीं इन्हें क्या बोलेंगे भाई। ये बुक ही, ये बुक का कवर है, बुक नहीं है कवर है खाली, है ना। हाँ लॉक भी है भाई इसमें देखो, ये देखो चम्मच है उस टाइम, चम्मच काटा काटा है तो वो है भाई चम्मच। और ये देखो ये पता नहीं क्या है, ये ऊपर जो रखा है चक्कू सा, ये सब चीज लिख रही है देखो इसमें खाने के लिए सब। पेपर नाइफ कागज काटने का, ये भाई कुर्सी है पुराने जमाने की जैसे कुर्सी होती थी। और ये एक वो है घंटा बजाने का टन टन, जैसे युद्ध बाजता था या कुछ मंदिर का भी यार कुछ वैसे भी तो होते थे ना, जैसे युद्ध हो गया उसे अलर्ट करने क्या, जैसे उसमें ना है बाहु वो जो पिक्चर ही बाहु वो बाहुबली उसमें वो जब युद्ध हो जाए तो वो टन टन से द्वार सा जो बजे। पर चलो भाई पता नहीं हम जो नॉलेज है बता रहे हैं आपको, ये चेक करो वीडियो शायद लंबी हो गई हो पर अपना कोशिश है भाई। देखो डोर देखो कितना प्यारा है, नज़दीक से देखो मतलब सारे पे ही डिज़ाइन है सारे पे।